इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड के रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में, और तीसरा पॉइंट होगा कैसे हम इसके वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको अपना पैसा वापस चाहिए तो ये जो स्कीम है रिस्ट्रक्चरिंग जो प्रोसेस है उसका पास होना जरूरी है, तो इसके फेवर में आपको वोटिंग करना चाहिए, तभी आपको जो पैसे है वो शायद जल्दी, जितना भी पैसे फंसे हुए हैं, जो भी पैसा मिल पाता है, पूरा पैसा तो नहीं मिलेगा लेकिन जितना भी पैसा मिल पाता है वो पैसा आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड के पास 36% का लिक्विड एसेट्स है अगेंस्ट इसके जो लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट में, यानी 100 रुपये आज के डेट में वर्ल्ड को देना है तो इसके पास मात्र 36 रुपये है देने के लिए, तो मैक्सिमम अभी वर्ल्ड 36 रुपये आपको दे सकता है। अब वर्ल्ड ने 3 ऑप्शन दिए हैं आपको इस रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में अपने इन्वेस्टर्स को जिनका भी पैसा फंसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है RDA का, यानी रिवर्स डच ऑक्शन का। इसमें आप अप टू 55% जो मैक्सिमम लिमिट है अपना क्लेम अमाउंट, जो भी आपका क्लेम अमाउंट है उसका 55% मैक्सिमम आप क्लेम कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में क्या है कि एक बार जो भी आप 55% जो भी आप क्लेम करते हैं वो पैसा मिलने के बाद आप दूसरे बार जो लिक्विड एसेट्स, जो अभी इलिक्विड एसेट्स है कंपनी के पास, वो अगर लिक्विड एसेट में बदलता है तो वो पैसा आप नहीं मांग पाएंगे। यानी एक बार आपको पैसा यहां से मिल गया और जो भी पैसा आपका बचा है वो लॉस हो गया। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, 1 लाख आपका क्लेम अमाउंट है, इसमें आप 50% आप क्लेम करते हैं तो आपको एक बार में 50,000 पैसे मिल जाएंगे, एक बार में पेमेंट हो जाएगा, और जो भी आपका 50,000 बचता है वो आपका लॉस है, फिर आप इस कंपनी से पैसे नहीं मांग पाएंगे। दूसरा ऑप्शन है वेरिएबल रिकवरी ट्रैक का। इस ऑप्शन में जो लोग RDA यानी रिवर्स डच ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं करेंगे इस, तो वो ऑटोमेटिकली इस ऑप्शन में आ जाएंगे और उनको 28% से 48% पैसे मिलेंगे, क्लेम का परसेंटेज मिलेगा। ये डिपेंड करेगा कि RDA में रिवर्स डच ऑप्शन में जितना ज़्यादा लोग ऑप्शन लेंगे और जितना ज़्यादा लोग इस ऑप्शन को लेंगे उतना कम परसेंटेज आपको इस वाले ऑप्शन में यानी ऑप्शन 2 में आपको परसेंटेज मिलेगा, क्योंकि वहां पे पैसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। उसके बाद इस ग्रुप को पैसा मिलेगा, यानी 28% से 48% वैरी करेगा। एक और ऑप्शन है जो कंपनी ने अभी रिसेंटली ऐड किया है, जो पहला वाला जो ओल्ड स्कीम था उसमें ये जो ऑप्शन था वो ऐड नहीं था। ऑप्शन का नाम है प्रो रेटेड ट्रैक। इसमें एक फिक्स्ड परसेंटेज जो 36% है वो पहले बार में आपको पेमेंट कर दिया जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे कंपनी इलिक्विड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में तब्दील करेगा, कन्वर्ट करेगा, वैसे वैसे आपको एक सर्टेन परसेंटेज 31% आपको पैसा पेमेंट किया जाएगा। तो ये थोड़ा बहुत अलग है ऑप्शन 2 से, क्योंकि ऑप्शन 2 में आपको एक सर्टेन परसेंटेज मिलने वाला है लेकिन वो 28% भी हो सकता है और अपर साइड में 41% भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड परसेंटेज मिलेगा, यही एक डिफरेंस है। अब चल लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है उस पे। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। वोटिंग डेट्स है 31 मई 2023 से 8 जून 2023, यानी इसके बीच में आपको वोटिंग करना होगा, क्योंकि अगर आप वोटिंग नहीं करेंगे तो ये जो स्कीम है अगर मान लीजिए कि पास नहीं हो पाता है तो ये फिर से कोर्ट में चला जाएगा, और कोर्ट का एक लंबा प्रोसीजर है फिर से कोई रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस या फिर से कोई दूसरे तरीके का जो कंपनी कैसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी वो लाएगी, तो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आपको वोटिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से। दूसरा है पीरियड फॉर क्रेडिटर्स टू ऑप्ट प्रो रेटेड ट्रैक, यानी प्रो रेटेड ट्रैक को ऑप्ट करने का जो डेट है 10 से 14 जुलाई है, और वन टाइम कन्वर्जन का भी जो डेट है 10 से 14 जुलाई 2023 है। बिल्डिंग इन इनिशियल RDA, यानी आपको बिडिंग RDA में बिडिंग करने का जो डेट है वो 17 से 21 जुलाई के बीच में आपको RDA में बिडिंग करना है, या कोई और आपको ऑप्शन लेना है वो उसका डेट है। पेमेंट जो आपको किया जाएगा सक्सेसफुल जो भी बिड्स होगा RDA में वो जुलाई से लेके अगस्त तक आपको पेमेंट किया जाएगा, और जो लोग बचेंगे RDA के अलावा भी जो लोग दूसरे ऑप्शन लेंगे तो उनको जो पेमेंट किया जाएगा सितंबर तक पेमेंट किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, हो सके तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पाउज करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कैसे हम वोटिंग करेंगे। तो चलते हैं अब लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहां पे देखेंगे कैसे हम वोटिंग करेंगे। अभी हम आ गए लैपटॉप के स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं वॉल्ट का यहाँ पे पेज खुला हुआ है,
तो ये आपको जो लिंक है वो आपको अपने जीमेल पे मिल जाएगा, ईमेल पे मिल जाएगा। आप डीफाई पेमेंट सर्च करेंगे तो वहां पे आपको ये इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। स्कीम वेबसाइट है, केरऑल का है। आप सर्च करेंगे गूगल पे तो भी आपको वो साइट मिल जाएगा। तो वहां से आप क्लिक करके यहाँ पे आ जाना। वहां पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू एक्सेस डॉक्यूमेंटेशन ऑन द पासवर्ड प्रोटेक्टेड साइट। उसके बाद आपको सारा यहाँ पे दिख जाएगा। तो एक चीज आपको यहाँ पे स्कीम का वोटिंग फॉर्म दिख रहा है, यहीं पे क्लिक करेंगे तो आपको वोट देना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप क्रेडिटर रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनी लिस्ट पे आपको जाके देख लेना है, क्योंकि आपको एक नॉमिनी को चूज करना पड़ेगा जो आपके बिहाफ पे जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो आपको देख लेना है कि किसको आपको अपना नॉमिनी बनाना है। जैसे कि यहाँ पे आपको नाम, सीरियल सीरियल नंबर और नाम दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रहा है जो रिप्रेजेंटेटिव दिख रहा है क्रिएटर्स के। तो इन्हीं में से किसी एक को आपको देखना होगा। तो यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल है, कितना का क्लेम इनको इनका क्लेम है। जैसे यहाँ पे USD 2 लाख का क्लेम है। दूसरे नंबर का जो बंदा है उसका USD 10 लाख का क्लेम है। ऐसे करके सभी का, तीसरे नंबर पे है उनका भी 10 लाख का क्लेम है। ऐसे करके आपको देख लेना है किसको आपको चूज करना है। तो यहाँ पे मुझे दूसरा नंबर और तीसरा नंबर ज्यादा सही लग रहा है, तो यही दोनों में से हम किसी एक को चूज कर लेंगे। यहाँ पे आपको सारा कुछ दिख जाएगा अदर्स में क्या क्या है। तो यहाँ पे इज अ मेजर क्रिएटर इन वर्ल्ड टॉप 15, ही बीन इन्वॉल्व इन क्रिप्टो करेंसी सिंस 2011। तो 2 नंबर का बंदा जो है जिसका नाम है यहाँ पे बुटमीर दमीर, तो ये इसको हम चूज करेंगे। तो ये आपने देख लिया। इसके बाद आपको बैक करना है। बैक आप अगर आप सिंपली करेंगे तो यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। यहाँ पे उसके बाद फॉर्म्स है, फॉर्म्स के नीचे आपको स्कीम वोटिंग फॉर्म दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एक पेज खुलेगा जो वोटिंग का पेज होगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है इंटर यूनिक कोड। ये जो कोड है आपको ईमेल पे सेंड कर दिया गया है वर्ल्ड के द्वारा। तो आप अपना मेल जाके चेक करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे जाके मेल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको एक यूनिक क्लाइंट कोड मिल जाता है। तो इसको हमको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेना है। नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको वहां पे मेंशन होगा, वो आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको आ जाएगा योर अप्रूव्ड क्लेम फॉर पर्पज ऑफ वोटिंग एंड पार्टिसिपेशन इन स्कीम टोकन बैलेंसेस। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जैसे कि मेरा BTC इथेरियम है और कितना मेरा बैलेंस है, जिसका कितना परसेंटेज का क्लेम है, कितना US डॉलर इक्विवेलेंट है जो मेरा क्लेम अमाउंट है। तो यहाँ पे मेरा 5.36 डॉलर का और 3.80 डॉलर का क्लेम अमाउंट है। तो ऐसे आपके जितने भी क्रिप्टो होंगे वहां पे यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। ऐसे करके आपको नीचे आ जाना है। टोटल यहाँ पे क्लेम अमाउंट भी आपको दिखेगा, जैसे कि मेरा 9.17 डॉलर का टोटल क्लेम अमाउंट है। यहाँ पे परसेंटेज आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है कास्टेड वोट में। यहाँ पे किसी एक को आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दूसरा या तीसरा नंबर पे किसी एक को चूज कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट वन। तो अगर आप इस स्कीम के लिए वोट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली पहले नंबर पे क्लिक कर देना है, और अगर आप इसके अगेंस्ट वोट करना चाहते हैं तो आपको सेकेंड नंबर पे क्लिक कर देना है। लेकिन मैं इस स्कीम के लिए वोट करना चाहता हूँ, यानी इसके अगेंस्ट नहीं हूं मैं चाहता हूँ कि जो स्कीम है, रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस है, वो जैसा बताया गया है वैसा हो, और मेरे जो पैसे फंसे हुए हैं, थोड़े बहुत जो पैसे फंसे हुए हैं, जो लगभग मिलना इम्पॉसिबल हो गया था, लोगों का पैसा फंसा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आपको पैसा मिल जाए तो आपको सिंपली पहले वाले यानी आई विश टू वोट फॉर दिस स्कीम पे क्लिक कर लेना है। और आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। ईमेल एड्रेस डाल के आपको यहाँ पे सबमिट का नीचे ऑप्शन दिख रहा है, डिस्क्लेमर, यानी यू मे ओनली सबमिट दिस फॉर्म वंस एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू एम्ड योर वोट वंस सबमिटेड। कहने का मतलब है कि आप एक बार अगर वोट कर दिए तो दूसरे बार आपको मौका नहीं मिलेगा वोट करने का या अपने वोट को बदलने का। तो आप ध्यान से कीजिएगा कि आपको अगेंस्ट वोट करना है या इसके लिए वोट करना है। मैं यहाँ पे सिंपली सबमिट कर रहा हूँ। तो इसके बाद आपका जो वोटिंग प्रोसेस है, यहाँ पे लिख रहा है कि फॉर्म सबमिटेड, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर फॉर्म, दिस मैसेज सर्व्स एज कंफर्मेशन दैट योर सबमिशन वाज सक्सेसफुल, यू मे नाउ क्लोज दिस ब्राउजर टैब। तो यहाँ पे मैं क्लोज विंडो पे टैप कर दूंगा और यहाँ पे जो है
हमारा जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे वर्ल्ड का जो वोटिंग चल रहा है अभी, उसमें हमको अपना वोट देना है। अगर कोई आपके मन में सवाल रह गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने का या किसी अगले वीडियो में बताने का। आपका कितना पैसा फंसा हुआ है, कितना पैसा नहीं फंसा हुआ है। अगर आप मेरा, जैसे कि मैंने अपने वर्ल्ड का अकाउंट खोल रखा है, तो मेरा जो अमाउंट है इसमें बहुत, मैं अपने टोटल कैपिटल का जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसका 1 से 2% ही मैंने इन्वेस्ट कर रखा था। और वर्ल्ड में जो वो जो परसेंटेज है वो और भी ज्यादा कम है। यानी कि आप मेरा जो देखे हैं कि 9 पॉइंट समथिंग कुछ डॉलर है जो मेरा क्लेम अमाउंट है, तो लगता है कि 25 या 30 डॉलर के आसपास मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था, ज्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो एक बहुत ही कम मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया था। अगर आप चाहते हैं कि कैसे आने वाले टाइम में आप बच सकते हैं ऐसे प्रॉब्लम से, ऐसे प्रॉब्लम में फंसने से, तो उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा हूँ कैसे आप जैसे वर्ल्ड में फंसे। बहुत सारे लोग वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिए हैं कुछ लालच के कारण, क्योंकि इसमें फिक्स डिपॉजिट का एक ऑप्शन था। तो उस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे आने वाले टाइम में ऐसे प्रॉब्लम में आप ना नहीं फंसेंगे, क्योंकि फाइनेंस के सेक्टर में ऐसे जो प्रोडक्ट है और आते रहते हैं, और आपका फंसने का चांसेस हमेशा रहता है। किसी इन्फ्लुएंसर्स को देख के भी आप फंस जाते हैं। तो सारे पे हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।